वाराणसी उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना, प्रभु साहनी हत्या कांड के आरोपी दो गिरफ्तार। वाराणसी SP ग्रामीण व वाराणसी दशा सुमेध CO इंसना तिवारी ने मीडिया से रूबरू करवाया। दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास 9mm के पिस्टल व जिंदा कारतूस पाए गए हैं। एक अभियुक्त का नाम रिजवान अंसारी पुत्र महबूब अली निवासी नक्की घाट तेजपुरा, दूसरे अभियुक्त का नाम अफरोज अहमद अंसारी पुत्र रसूलुल्लाह निवासी अवसानगंज थाना जैतपुरा। पुलिस टीम का नाम थाना चौबेपुर SO ओम नारायण सिंह और अन्य साथी स्नेह तिवारी के साथ मिलकर गुट वर्क किया। लाइव अभी तक ये पुराने क्रिमिनल हैं और ये पैसा लेकर भी, समय समय पर पैसा लेकर भी मर्डर या किसी को धमकी देना या गोली चलाना इत्यादि की कार्रवाई भी करते रहे। उस दिन भी वो किसी पर्सनल अपनी दुश्मनी निकालने अथवा किसी अन्य उद्देश्य से, किसी व्यापारी को धमकाने के उद्देश्य से भी इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन पुलिस की लगातार कार्रवाई की वजह से ये अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकते और पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जब इनसे पूरी बात पूछताछ की तो इन्होंने पूरी घटना में अपनी संलिप्तता बताई तथा इनके पास से 1.32 बोर की पिस्टल व 1.9mm की पिस्टल, क्योंकि प्रभु साहनी की हत्या में दो प्रकार के वेपन का यूज होना पाया गया था। 1.9mm का भी गोली मिली थी हमें और ऐसा लगता था कि 0.32 के पिस्टल से भी उस पर गोली चलाई गई। तो जो 9mm की पिस्टल का जो रहस्य था वो आज खुल गया और इनके पास से 9mm की हमें पिस्टल भी बरामद है। ये दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ 10,000 रुपये का पहले से इनाम हो रखा था। जब भी इनका नाम आया था वांटेड ये थे और इस इनाम के इन अभियुक्तों के खिलाफ 10,000 रुपये इनाम ऑलरेडी है और इसमें चौबेपुर थाना की पुलिस और चौक थाना की पुलिस साथ में दोनों CO ने बहुत ही कड़ी मेहनत किया है। इसके सिटी का भी इसमें मार्गदर्शन रहा है, मेरे द्वारा भी इसमें पूरे प्रकरण में ध्यान दिया गया है और ये प्रकरण पूरे प्रकरण का पटाक्ष हो चुका है। सिर्फ एक अभियुक्त बाकी।